हेलो फ्रेंड्स, हिंदी मूवी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेस्ट कोरियन ड्रामा मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस कोरियन ड्रामा मूवी का नाम है हिडन लव। यह कोरियन ड्रामा आपको लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अनलिस्ट की जितनी भी ड्रामा है उनसे काफ़ी बेहतर है यह ड्रामा लव कॉन्टेक्ट पर आधारित है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, इस ड्रामा को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम लूसी होता है। लूसी का पूरा फोकस क्लास में ना होकर अपनी ड्राइंग पर होता है। ड्राइंग पर अपना फोकस होने के कारण टीचर उसे भला बुरा सुना देता है और अपने पिता को स्कूल में बुलाने के लिए बोल देता है। तो क्या लूसी अपने पिता को लेकर स्कूल में पहुँच पाएगी या नहीं, ये देखेंगे इस ड्रामा में। ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड दिखाई गई जिसका नाम लूसी, जो कि अपनी क्लास में थी, मगर उसका सारा फोकस सिर्फ ड्राइंग में था। यानी वैसे तो लूसी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मगर कभी कभी टीचर के लेक्चर्स नहीं सुनती, इसलिए टीचर उसको डांटते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना। क्लास ओवर होते ही लूसी की फ्रेंड उसके पास आती है और पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। के तभी विंडो के बाहर हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि इशारा कर रहे थे कि लूसी को अपने साथ बाहर लाओ। तो तब लूसी की फ्रेंड ने ऐसा ही किया, मगर लूसी का सारा फोकस अपने मोबाइल पर है क्योंकि उसने अपने बड़े भाई को मैसेज किया है हेल्प के लिए, जो कि हॉस्टल में रहता है, मगर वो रिप्लाई नहीं दे रहा था कि तभी वो सब लड़के भी वहां आ गए जिसमें से एक लूसी का बिग फन है, यानी लूसी से दोस्ती करना चाहता है। मगर तभी लूसी को उसके भाई का मैसेज आया जिसने बिना पूरी बात सुने ही लूसी की मदद करने से इनकार कर दिया था, इसलिए ये देख वो डायरेक्ट वहां से चले गए और काफी दूर आकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी कि मेरा बड़ा भाई कभी मेरी मदद नहीं करता, लगता है अब कल मॉम को ही अपने साथ स्कूल लाना होगा। इसलिए जब जैसे ही वो घर वापस आए और बहुत प्यार से मॉम को टीचर मीटिंग के बारे में बताने ही वाली थी, मगर तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारा बड़ा भाई आज घर वापस आ चुका है, जो कि ऊपर रूम में है। तो ये सुन वो काफी ज्यादा खुश हो गई, इसलिए खुशी खुशी से अपने भाई के रूम में जाने लगी उसको मनाने के लिए, मगर तभी वहां किसी और को बैठा देख उसके होश उड़ गए। अब लूसी अपने भाई को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो उसका भाई नहीं था। तो लेकिन तभी वहां पर उसका भाई भी पहुंच जाता है और वो उसे बुरी तरीके से पीटने और मारने लगता है। यह सब देख कर सोम्यून की मॉम वहां पर पहुंच जाती है और वो सोम्यून को मारने लगती है। तो सोम्यून को मारने के बाद भी क्या लूसी की मदद कर पाएगा या नहीं, देखते हैं इस ड्रामा में। क्योंकि ये लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम और क्यूट था जिसका नाम है दुवान, जो कि लूसी के भाई का दोस्त है और हमारे इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर भी। मगर लूसी को लगने लगा कि इसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, इसलिए वो पूछती है कि भाई आपने कब अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराई। तो तब वो बताता है कि तुम खुद पास आकर चेक कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। पीछे से का भाई भी वहां आ गया जिसका नाम है सांग्यान, जो भी पूछने लगा कि आखिर तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तवान सांग्यान के पास आकर पूछने लगा कि क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, जो तुम्हारी बहन को लगा कि मैं तुम हो जिसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली। तो ये सुनसागिया लूसी पर गुस्सा करने लगा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपने इस हैंडसम फेस को चेंज करा दूंगा, यानी क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग में सुंदर नहीं, और फिर वहां से जाने लगा। लूसी सांग्यान को रोककर उसके रूम आने का रीजन बताती है कि मुझको आपकी हेल्प चाहिए, मगर सांग्यान ने हमेशा की तरह साफ इनकार कर दिया। तो तब लूसी जोर जोर से रोने लगी इस झूठ के साथ कि मॉम भाई ने मुझे मारा। तो तब लूसी की मॉम ऊपर आकर सांग्यान को डांटती है और मारती भी है। लूसी दुवान के पीछे खड़ा होकर नॉनस्टॉप अपने भाई की बुराई करती गई, जिसका ये रूप देख एक टाइम के लिए दुवान भी शॉक रह गया कि यह कितनी शैतान है, जिस वजह से मॉम सांग्यान को मारते हुए अपने साथ ले जाती है। तो अब लूसी दुवान से हेल्प मांगने लगी और बता देती है कि उसे किसी को अपने साथ स्कूल लेकर जाना है क्योंकि टीचर ने उसके पेरेंट्स को कंप्लेंट करने के लिए बुलाया है, इसलिए वो चाहती है कि अब प्लीज दुवान उसका भाई यानी सांग्यान बनके स्कूल चले। दुवान पहले तो इस बात के लिए रेडी नहीं था, मगर जब लूसी ने बताया कि अगर तुम मेरे भाई से प्लास्टिक सर्जरी वाली बात नहीं बोलते तो वो मुझ पर गुस्सा नहीं होता और ना ही मेरी मदद करने से इनकार करता। तो तब दुवान को लूसी की बात में पॉइंट दिखा कि कह तो ये सही रही है, इसलिए वो लूसी के घर से जाते टाइम लूसी का नाम स्कूल क्लास ये सब पूछकर वहां से चला गया,
मगर लूसी कंफर्म नहीं थी कि धुवान उसकी हेल्प के लिए आएगा भी कि नहीं। अब ये ड्रामा पार्ट से खत्म होकर प्रेजेंट में 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसी बहुत बड़ी हो चुकी थी और उसका पूरा परिवार एक डिनर पर जा रहे होते हैं। ये पास्ट की स्टोरी थी जिसके बाद अब स्टोरी प्रेजेंट में आई, यानी पूरे 3 साल बाद, जहाँ अब लूसी बड़ी हो चुकी है। वो जब जैसे नीचे आती है तो तब उसका भाई भी बहुत टाइम के बाद वापस घर आया हुआ था, मगर लूसी उससे बात नहीं करती क्योंकि जब वो हॉस्टल में था तो तब उसके मैसेजेस का टाइम पे रिप्लाई नहीं देता था। सांग्या कहता है कि देखो प्लीज ऐसा मत करो, मैं बहुत टाइम के बाद तुम सब से मिलने आया हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा वेलकम करना चाहिए। तो तब लूसी काफी अच्छे से अपने भाई का वेलकम करती है। दोनों लंच करने लगे, जहां सांग्या ने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि डैड आप प्लीज मुझे अपनी कार की दे दो, क्योंकि मुझे अपने लगेज के साथ साथ अपने फ्रेंड का भी लगेज लाना है। इसका मतलब सांग्यान का हॉस्टल चेंज हो चुका है, जो कि अब उनके घर से काफी करीब है। तो ये सुन लूसी समझ गई कि पक्का ये वही दोस्त होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं भी तुम्हारा लगेज उठवाने में हेल्प कराऊंगी, क्योंकि मेरा भी हक बनता है तुम्हारे काम आने का और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। तो तब सांग्यान पहले तो इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, मगर फिर पेरेंट्स के फोर्स करने पे मान गया। जिसके बाद अब हम आफ्टर स्कूल का सीन देखते हैं, जहां लूसी अपने भाई की हेल्प कराने उसकी न्यू हॉस्टल आ चुकी है एंड सामने खड़ी कार को देख पहचान गई कि अरे ये तो डैड की कार है, इसलिए वो उस कार में रखे सामान को देखने लगी, जहां उसे एक फॉक्स टाल दिखी जो कि उसे काफी पसंद आ रही थी, इसलिए वो उसे उठाकर देखने लग जाती है। पीछे से द्वान भी वहां आ गया, ये पूछते हुए कि चोर आखिर तुम हो कौन जो मेरा सामान उठा रही हो। तो तब द्वान को इतने टाइम के बाद देख लूसी के होश उड़ गए, यानी आज भी लूसी को द्वान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, इसलिए वो ब्लश करने लगी। फेस देख द्वान भी पहचान गया कि अरे तुम तो लूसी हो ना, वही छोटी बच्ची। तो तब बताती है कि अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ बल्कि बड़ी हो चुकी हूँ, यानी अब मैं 8th क्लास में नहीं बल्कि 11th क्लास में हूँ। तो तब द्वान पूछता है कि अगर तुम बड़ी हो चुकी हो तो डॉल क्यों ले रही हो, लाओ इसे दो, वैसे भी मेरी किसी काम की नहीं, इसलिए मैं इसे फेंकने जा रहा था। अगर लूसी उससे वो ले लेती है ये बता कर कि भले ही मैं बड़ी हो चुकी हूँ मगर डॉल्स मुझे आज भी पसंद है। तो ये सुन वो लूसी की बातों पर हंसने लगा एंड कहता है कि तुम्हें याद है ना कि 3 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर किया था। अब अगले सीन में धुआन और लूसी को दिखाया जाता है, जो एक मॉल में आए होते हैं। धुआन और लूसी और उसका भाई लूसी के साथ मॉल में आ तो जाते हैं, लेकिन उसे लूसी के साथ बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। तो क्या वो दोनों वहाँ मॉल में रह पाएंगे या वहाँ से जा पाएंगे, ये देखेंगे इस ड्रामा में। सांग्यान के साथ स्टो आया पेट्स बाय करने के लिए, जहाँ ये दोनों आ तो गए थे मगर उन्हें बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, मगर जैसे तैसे इन्होंने सामान बाय किया, जिसे फिर ये एक दूसरी लड़की की हेल्प से लूसी तक पहुँचवा देते हैं। तो तब ये सब लूसी को काफी अजीब तो लग रहा था, मगर अब कर भी क्या सकते हैं, इसलिए वॉशरूम से बाहर आकर उसने सभी के साथ रेस्टोरों के अंदर जाने से इनकार कर दिया कि नहीं मुझे बस घर जाना है, इसलिए प्लीज आप घर चलो। मगर सौंदिया उसको समझाता है कि सब नॉर्मल है, तुम ज्यादा मत सोचो और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एंड देन लूसी को अपने साथ रेस्टोरेंट ले आया, जहां इन सभी ने लंच ऑर्डर किया। मगर जब दवान को पता चला कि लूसी को बीफ पसंद नहीं है, इसलिए वो उसको अलग कर देता है सिर्फ लूसी के लिए। तो तब को अपनी इतनी फिक्र करता देख लूसी काफी खुश हुई। वेल अपना नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहां लूसी अपनी फ्रेंड मिनी के साथ कहीं जा रही है, क्योंकि आज किसी का बर्थडे था। मगर पहले ये दोनों एक रेस्टोरेंट के नॉइस, जहां दुवान को पार्ट टाइम जॉब करता देख लूसी काफी हैरान रह गई। दुवान पूछता है कि क्या तुम अपनी फ्रेंड के साथ आउटिंग करने आए हो, अगर ऐसा है तो खूब एंजॉय करना। जिसके बाद ये दोनों सीट पर आकर बैठ गई। मिनी सोचने लगी कि मैं क्या ऑर्डर करूं, बट लूसी का सारा फोकस सिर्फ द्वान पर था, जिसे वो छुप छुप कर देख रही थी। तो तब ये भी नोटिस कर ली एंड स्माइल करने लगा। लूसी जब ऑर्डर देने आए और पैसे देने लगी, बट दुआ बताता है कि इसमें कुछ डॉलर्स कम है, यानी तुम जो मुझे छुप छुप कर देख रही थी इसका भी टैक्स लगता है। तो तब लूसी घबरा कर जवाब देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, और अगर तुम इतने ही हैंडसम होते तो ये पूरा रेस्टोरेंट फुल होता। तो ये सुन द्वान हंसने लगा और लूसी से उसके पैसे लेने से मना कर देता है, ये कहकर कि मैं तुम्हें अफोर्ड कर सकता हूँ। तो तब लूसी चुपचाप वहां से चली गई। लूसी सूप एंजॉय कर रही थी कि तभी उसने द्वान के बॉस की बातें सुनी, जो कि उसे एडवांस दे रहे थे क्योंकि दुकान को पैसों की जरूरत है। इसलिए सुन लूसी को अच्छा नहीं लगा कि तभी बर्थडे बॉय यानी भी वहां आ गया, एंड ये वही है जो स्कूल टाइम में लूसी के हर टाइम पीछे लगा रहता था।
इसलिए दुआन को देख पहचान जाता है कि अरे ये तो लूसी के भाई है ना, इसलिए वो दुआन को है हेलो करने लगा, जिसके बाद ये सभी कराओ के जाने का डिसाइड करते हैं। मगर तभी दुआन लूसी के पास आकर उसे समझाता है कि अंधेरा होने से पहले वापस घर चली जाना वरना सबको तुम्हारी फिगा होने लगेंगी। तो तब लूसी हाँ में जवाब देकर वहां से चली गई। अब दूसरी ओर हम पूजन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। पूजन लूसी का बचपन का दोस्त होता है। पूजन लूसी को बहुत ज्यादा लाइक करता था, तो पूजन लूसी को प्रपोज करने लगता है। तो क्या लूसी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं, ये देखेंगे इस ड्रामा में। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम इन सभी को फुसेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, जहां फुसेन बहुत ही ज्यादा खुश है, इसलिए बोलता है कि मैं इस खुशी के मौके पर आज मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूं। और फिर उसने डायरेक्ट लूसी का हाथ पकड़ उसे खड़ा कर दिया, जिसका ऐसा करना मिनी को अच्छा नहीं लगा। फोजन लूसी को प्रोपोज करने वाला था, मगर लूसी तभी फोजन को चुकरा देती है, क्योंकि लूसी को पहले ही पता था कि फोजन उसको लाइक करता है, इसलिए वो वहां से जाने लगी, क्योंकि वो सभी के सामने फोजन को रिजेक्ट नहीं करना चाहती थी। तो तब मैंने क्या एक्सप्रेशन देख, हम साफ समझ सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा जेलस है। फुजन लूसी के पीछे पीछे गया, जिन दोनों को साथ में जाते हुए द्वार ने भी देख लिया। और अब जब फुजन फाइनली लूसी को प्रोपोज करता है, ये बताते हुए कि मैं तुम्हें बचपन से बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ, यानी तुम मेरा सच में पहला प्यार हो। मगर लूसी फुजन को साफ इनकार कर देती है, ये कहकर कि मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त माना है, इसलिए प्लीज ये सब कह के हमारी दोस्ती खराब मत करो। तो ये सुन फुजन बेचारे का बहुत बुरी तरह दिल टूट गया, क्योंकि वो कितने टाइम से लूसी को इम्प्रेस करना चाह रहा था, मगर लूसी है कि उसकी बनी नहीं रही, इसलिए वो रोने भी लग जाता है। लूसी कहती भी है कि देखो रो मत, प्लीज चुप हो जाओ, मगर वो चुप होता ही नहीं कि तभी पीछे से द्वान भी वहां आ गया, जो कि इन दोनों की सब बातें सुन चुका था, इसलिए उसको देख फुजन वहां से चला गया। द्वान लूसी को समझाता है कि माना तुम अपने क्लासमेट को लाइक नहीं करती हो, मगर तुम्हें उसको ऐसे डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, बल्कि आराम से समझाना चाहिए था। तो तब वो चुप हो जाती है और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद पूछने लगी कि क्या आपको पैसों की जरूरत है, अगर हाँ तो मैं आपकी मदद करा सकती हूँ। बटवान मना कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली वह लूसी से थोड़ी ना हेल्प लेगा, मगर उसे यह जानकर अच्छा लगा कि लूसी को उसकी फिक्र है। तो अब क्या लूसी पूजन के साथ रह पाएगी या धुआन के साथ, ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल में बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।